आपके लिए पार्ट नंबर डी में सिर्फ एक क्वेश्चन रखा है, और वो एक क्वेश्चन इसलिए रखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और है शॉर्ट, लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट आंसर है, लेकिन कुछ आंसर ऐसे पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो बताना पड़ता है। अब कुछ बताना पड़ता है तभी आपको नंबर मिलेंगे, कुछ लिखोगे, कुछ मेन मेन चीजें आपको उसमें लिखनी पड़ती हैं तभी उसमें नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने उसको एक ही रखा, एक ही क्वेश्चन है, लेकिन शॉर्ट में उसकी गिनती आती है, अगर पूछा जाएगा तो शॉर्ट में ही पूछा जाएगा, और फिलहाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको लिखना तो पड़ेगा उसमें बहुत कुछ, इसीलिए आपको उसमें तभी नंबर मिल पाएंगे। और वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखें, ठीक है, और लाइक तो कर ही सकते हैं, लाइक कर दीजिए। हाँ, तो क्वेश्चन जो है लिखिएगा आप, ठीक है। व्हाई डिड इनॉग्रेशन, ठीक है, व्हाई डिड इनॉग्रेशन सेरेमनी सेरेमनी टेक प्लेस इन टेक प्लेस इन द एम्फी थिएटर द एम्फी थिएटर ठीक है द एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन by the union building, union की यू बड़ा रहेगा, ठीक है, union building in Pretoria, पी बड़ी रहेगी, देश का नाम है Pretoria, ठीक है। सबसे पहले इसका मतलब बता देते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए इसमें लिखा है Why did inauguration ceremony take place in the amphitheater formed by the union building in Pretoria, ठीक है। देखिए Pretoria की एक यूनियन बिल्डिंग है, ठीक है, फिर से देखिए Pretoria है, ठीक है, Pretoria है, जो भी राज्य का नाम, देश का नाम होगा, ठीक है, साउथ अफ्रीका के, Pretoria की एक यूनियन बिल्डिंग थी, ठीक है, एक यूनियन बिल्डिंग थी उसमें, ठीक है, उसमें एक निर्मित सभागार निर्मित मतलब बनाया हुआ, और सभागार का मतलब होता है, देखिए सभागार का मतलब होता है जहां पे मीटिंग बैठाई जाती हो, मीटिंग मतलब एक बड़ा सा हॉल होता है, बड़ा सा, ठीक है, और उसमें जो है मीटिंग की जाती है, मतलब सभा बैठाई जाती है, ठीक है, तो वो एमपी थिएटर, ठीक है, सभागार क्यों रखा गया था, उद्घाटन समारोह के लिए, ठीक है, उद्घाटन समारोह के लिए, ठीक है, सभागार, निर्मित सभागार क्यों चुना गया था, मतलब क्यों, मतलब वही उद्घाटन समारोह किया गया था, क्या कारण था, हमें वहां बताना है क्या मतलब जो है, ठीक है, तो इसके आंसर लीजिए। इट वॉज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक, लिखिएगा बाद में बताएंगे, इट वॉज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेसियल गवर्नमेंट टैकिंग ऑथ, ठीक है, इन साउथ अफ्रीका अच्छा, साउथ अफ्रीका अभी भी ज्यादातर लोग वहां आपको काले लोग मिलेंगे, मतलब इन साउथ अफ्रीका फुल स्टॉप, ठीक है, द सेरेमनी वाज अटेंडेड द
द सेरेमनी वाज अटेंडेड वाज अटेंडेड बाय डाइनेटरीज बाय डाइनेटरीज from more 140 countries around the world ठीक है around the world and thousands of the people and thousands of the people of South Africa of all the races to make the day memorable so it took place in full stop ठीक है इतना ही है जन तो सबसे पहले देखते हैं वर्ड मीनिंग की तरफ लेके चलते हैं आपको और फिर इसका स्टोरी की तरह आपको ट्रांसलेशन बताएं और कहां पर क्या आंसर दे रखा है ठीक है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं फिर से दोबारा लिखा है व्हाई डिड इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस इन द एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया ठीक है प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में जो निर्मित सभागार थे उसमें उद्घाटन समारोह क्यों रखा गया क्यों हुआ कहीं दूसरी जगह क्यों नहीं हुआ ठीक है ये हमें जवाब देना है ठीक है तो इसका सबसे पहले आपको ओरल बता देते हैं हिंदी में यहाँ पे जो जवाब है देखिए ये जो है ये पहला लोकतांत्रिक समारोह था सबसे पहली बात ये ठीक है यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग शामिल हुए थे जो बहुत ही मशहूर थे मतलब फेमस थे या प्रभावशाली थे या उच्च पद के लोग थे जैसे नेता लोग हो सकते हैं मंत्री लोग हो सकते हैं या सेलिब्रिटीज हो सकते हैं बहुत महान महान लोग मतलब यहाँ इकट्ठे हुए थे और कुछ साउथ अफ्रीका के भी लोग थे मतलब यहाँ इकट्ठे हुए थे और काफी सारी व्यवस्थाएं की गई थी समारोह अटेंड किया गया था और जो विपक्ष की जो सरकार थी वो उसी दिन पर जो है शपथ ग्रहण भी कर रही थी ये कुछ बातें हैं इसमें बस ठीक है देखते हैं वर्ड मीनिंग तरफ लेकर चलते हैं आपको डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक नॉन रेशियल का मतलब होता है गैर जाति या विपक्ष गैर जाति या गैर नस्ल भी बोलते हैं यहाँ पे कुछ और भाव निकलते हैं यहाँ तो विपक्ष ही हो सकता है मतलब विपक्ष की सरकार गवर्नमेंट ठीक है और ओथ का मतलब होता है OATH शपथ लेना होता है शपथ ग्रहण करना शपथ ठीक है फिर सेरेमनी जानते हैं आप समारोह होता है ठीक है डाइनेटरीज का मतलब होता है प्रभावशाली व्यक्ति या उच्च पद वाले व्यक्ति या जो मशहूर लोग होते हैं फेमस लोग होते हैं मंत्री होते हैं नेता लोग होते हैं जो भी ठीक है सेलिब्रिटीज होते हैं जिनका एक समाज में प्रभाव होता है जिनका समाज में नाम होता है और जो कुछ कुछ उच्च पद के लोग होते हैं ठीक है तो बड़े बड़े लोग मतलब जो है आए हुए थे और अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ के और तो कुछ है नहीं हाँ रेस का मतलब जानते हैं दौड़ ठीक है और मेमोरी से मेमोरेबल बना है सबसे क्या बना है मेमोरेबल का मतलब होता है यादगार मतलब बनाया जा सके
तो सबसे पहले देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन की तरफ लेके चलेंगे। व्हाई डिड इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस इन द एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया में जो यूनियन बिल्डिंग बनाई गई थी, जो निर्मित सभागार था, वहां ही उद्घाटन समारोह क्यों रखा गया, ये आपको बताना है। तो सबसे पहली बात ये, इट वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक, ये पहला लोकतांत्रिक समारोह था, सबसे पहला वहां का, साउथ अफ्रीका का। नॉन रेशियल गवर्नमेंट टैगिंग ओथ इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में जो विपक्ष की सरकार थी वो उसी दिन पर क्या ग्रहण कर रही थी, शपथ ले रही थी, ठीक है। द सेरेमनी वाज अटेंडेड, ये जो समारोह था वाज अटेंडेड, उपस्थित किया गया था, या मतलब इसमें बहुत सारे लोग उपस्थित हुए थे। डाइनिटेरीज, जैसे उच्च पद वाले लोग, जो बहुत फेमस लोग होते हैं, प्रसिद्ध लोग, ठीक है, नेता या मंत्री जो भी। फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, 140 से भी अधिक देशों से आए हुए थे। मोर देन 140 कंट्रीज, 140 देशों से भी अधिक देशों के मतलब लोग आए हुए थे। अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, संसार से, ठीक, चारों तरफ से, संसार से 140 देशों से भी अधिक लोग यहां पर उपस्थित हुए थे, अटेंड किया था इन लोगों ने, क्या, सेरेमनी, समारोह, ठीक है। फिर लिखा है एंड और थाउजेंड्स ऑफ द पीपुल, और हजारों लोग, थाउजेंड्स ऑफ द पीपुल और हजारों लोग, कहां के, साउथ अफ्रीका के हजारों लोग, ऑफ ऑल रेसेस, ठीक, इस सभी दौड़ में जो भी मतलब जो संघर्ष किया जा रहा था, जो उद्घाटन के प्रति जो इसमें शामिल थे, ठीक है, ये इसके पक्ष में थे। टू मेक द डे मेमोरेबल, क्या बनाने आए थे, इस दिन को यादगार बनाने के लिए उपस्थित हुए थे, इस दिन को यादगार बनाने के लिए उपस्थित हुए थे। सो इसीलिए इट टू प्लेस इन, इसीलिए यहां यह समारोह रखा गया था, कहां, प्रिटोरिया, ठीक, यूनियन बिल्डिंग। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, देखिए रिवाइज बता दिया था, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक, ओथ का मतलब होता है शपथ लेना, सेरेमनी का मतलब होता है समारोह, डाइनिटेरीज का मतलब होता है फेमस लोग या उच्च पद वाले लोग, ठीक है, जिनका समाज में कुछ इज्जत होती है, वही जो भी, ठीक है। तो फिर से बात करते हैं, इट वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक, ये कैसा था, लोकतांत्रिक, मतलब पहला लोकतांत्रिक समारोह था। नॉन रेशियल गवर्नमेंट टेकिंग ओथ इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में जो विपक्ष की सरकार थी या जो गैर जात की जो सरकार थी, ठीक है, वो इस दिन पर शपथ ले रही थी। द सेरेमनी वाज अटेंडेड बाय द डायरेक्टरीज फ्रॉम द मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड एंड थाउजेंड्स ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका ऑफ ऑल द रेसेस टू मेक द डे मेमोरेबल। यहां तक सेंटेंस है, यहां से लेकर यहां तक जो है, यहां तक आपको फुल स्टॉप मिला है ना, बीच में फुल स्टॉप ही नहीं है। तो यहां पर यह बताया गया, इस समारोह में दूर दूर के, संसार के चारों तरफ के लोग जो कैसे थे, जो बहुत फेमस या उच्च पद वाले लोग थे, ठीक है, 140 देशों से भी अधिक देश के लोग आए हुए थे, और खुद साउथ अफ्रीका के भी हजारों लोग थे, ठीक है, जो इस दौड़ में शामिल हुए थे, जो इस समारोह में शामिल हुए थे, और इस दिन को द डे, इस दिन को क्या बनाने के लिए, मेमोरेबल बनाने के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, और कमेंट में बताना कैसा पढ़ाया। ये एक हमने इसलिए रखा था क्योंकि थोड़ा बड़ा था, इसलिए एक रखा, छोटे छोटे को तो डबल रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो समझाने में टाइम लगता है, ठीक है। तो पार्ट नंबर ई में लेके आएंगे अदर क्वेश्चन, लेकिन अभी आपके लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना, ये शॉर्ट क्वेश्चन ही है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन पूछा ही कुछ उसने ऐसा है शॉर्ट क्वेश्चन में कि हमको बताना तो पड़ेगा, वरना नंबर नहीं मिलेंगे, है ना। तो इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन ही है, और लॉन्ग क्वेश्चन अदर टाइप के होते हैं, ठीक है, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपके शॉर्ट क्वेश्चन ही चल रहे हैं। और कमेंट में बताना कैसा पढ़ाया, धन्यवाद।